नहीं, योगी जी, इसमें योगी जी का हाथ है। योगी जी चाहते हैं कि सब मारे जाए। भैया इनकाउंटर तो बढ़िया हुआ है, उसको ये चीज का लेटर पहुंचेगा जो मैंने लिख रखा है। मेरे को धमकियां आ रही थी। हिंदू मुस्लिम अब इलेक्शन आ रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम भिड़ाएंगे। बट बदमाशी पर 2.5 साल की होती है, यानी कि तो 25 से 30 साल चल गई। तो लग रहा है पुलिस वाले मिले हुए हैं, जो मीडिया वाले वो भी नकली है। ये पकड़ा गया, सबूत भी है। अब उनके एक दुश्मन थोड़ी थे, 1000 दुश्मन थे। अब किसने मार दिया किसने नहीं क्या पता। ये अभी देखो केस कहाँ खुलता है, कोई केस तो खुल गया ना। ये अभी तो बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। अतीक के भाई ने बोला चंद दिन पहले कि मुझे जो है लगता है कि प्रयागराज में जाने के बाद हमें मार दिया जाएगा, प्रयागराज पुलिस हमें मार देगी। इस चिट्ठी का उन्होंने एक चिट्ठी का जिक्र किया कि मैं एक चिट्ठी जो है वो दे के आया हूँ और उस चिट्ठी में ये सारे खुलासे होंगे। क्या लगता है, हत्याकांड सही था गलत? नहीं, हत्याकांड अगर मैं, मेरी दो बातें हैं। एक तो ये अगर संविधान के दायरे में या कानून के दायरे में ये काम होता और एक ऐसा मैसेज जाता हर मुजरिम को जो मुजरिम करने वाला कि कानून के हिसाब से, तो बहुत ऐसा जाता कि अपराधी कांपता कानून के हिसाब से। और अगर हम वैसे देखें, एक कैसे कहते हैं ना कि भाई अंत जब बुरा करता है उसका अंत भी है, तो बुरे का अंत बुरा, तो अतीक का अंत बुरा हुआ। इसलिए बुरा हुआ क्योंकि उसने काम इतने गंदे गंदे कर रखे थे, इसलिए उनके साथ वो ये हुआ। क्या लगता है गैंगस्टर ने, मतलब जब मौत के घाट उतारा उसके बाद जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मोदी सरकार के ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नहीं देखिए, श्री राम कहना या वो कहना वो गलत था, क्योंकि उस टाइम वो जो खुद भी है वो भी मुजरिम है। वो कोई वो नहीं है कोई दूध के धुले हुए, वो भी मुजरिम है। और उन्होंने ये जो कांड करा है, अब ये किसकी शह पकड़ा है या कौन है, कोई ऐसा नहीं है कि वो घर, जो अभी मैंने न्यूज़ देखी है मैसेज देखे तो उस पर कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया कि वो बहुत अच्छे घर से हों या बहुत गैंगस्टर इतने बड़े हों कि उन्होंने पैसा कमा रखा और इतनी पिस्टल मिली है, ठीक है ना, विदेशी पिस्टल मिली है। तो उनकी औकात नहीं थी कि उन्हें खरीद लेते वो। अब जहाँ से भी हुआ जैसे भी हुआ है, तीनों शूटर जो हैं उन्होंने बोला कि हम जो है लॉरेंस विश्नोई के, गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के फैन हैं। नहीं, योगी जी, इसमें योगी जी का हाथ है। योगी जी उनका तो कोई लेना वेना है ही नहीं भाई। योगी जी चाहते हैं कि सब मारे जाएं भैया, लेकिन गलत तरीके से मारे, ये गलत है, ये गलत है। पुलिस वाले के होते हुए मारे गए भाई, पुलिस वालों का फायदा क्या है? पुलिस वालों का फायदा है क्या फिर? मेरे को लग रहा है पुलिस वाले मिले हुए हैं, पुलिस वालों की निगरानी में सारा काम हुआ है। तो मेरा लगता है कि पहले से प्री प्लान था, प्री प्लान ही होगा, कन्फर्म प्री प्लान है, बिल्कुल कन्फर्म है। जो मीडिया वाले वो भी नकली हैं, ये पकड़ा गया, सबूत भी है। आज तक नकली नहीं है, आज तक था, उसमें बड़े बड़े नेशनल चैनल जो है वो मौजूद थे, खूब सारे मीडिया वाले थे, लेकिन सारे मीडिया वाले नहीं थे। वो माइक फेंक के उनके जैसे गोली निकली, उन्होंने गोली चलाई है, तो मीडिया वाले बन के आए थे वो, और पुलिस वाले इतने सारे खड़े थे, लेकिन जैसी गोली चली सब भाग गए, तो ये प्लानिंग थी। देखिए जब गोलियां चलती हैं तो हर कोई अपनी जान बचाने की तो कोशिश करेगा। पुलिस वाले तो भरोसे के लायक होते हैं, मतलब वो देश को पहले रखना चाहिए उनको, लेकिन वो भाग रहे हैं। अगर उनको गोली लग जाती, पुलिस वालों को गोली लग जाती तो कैंडल मार्च निकलता, पुलिस शहीद हो गए। पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, पुलिस वालों को तो पहले से ही पता था। और पुलिस वाले इतने सारे, 3 तो लोग हैं मारने वाले, कम से कम 6-7 पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वालों को कोई फायदा नहीं होता, कह रहा हूँ पुलिस वाले। गोली पे लिखा होता है कि पुलिस वाले को लगनी है या गैंगस्टर को ही लगनी। नहीं माननी थी उसे, तो उसे ही माननी थी, उसे ही मारता हो तो बिल्कुल कनपट्टी पे। क्या कहिए, गैंगस्टर लिख के लाता है ना गोली पे नाम, तो गैंगस्टर जब जाएगा शूट आउट करने, किसी का भी शूट आउट करेगा तो वो नाम तो खुद अपने हिसाब से लिख के ला रहा है सीधे, जो न्यूज़ पे आजकल दिखा रहे हैं डायरेक्टली, पहले माथे पे ही दिखा रहे हैं, कोई किसी चीज़ पे इशू तो दिखाई नहीं रहे। इसमें कोई टाइम पहले, अभी थोड़ी दिन पहले ही जो न्यूज़ आ रही थी कि शूट आउट हुआ इन बंदों का, जो भी मेडिकल के चेकअप के बहाने जो भी हुआ, किसने करवाया किसने करा, पहले तो गवर्नमेंट पे नाम लिया जा रहा था, फिर सरकार पे नाम लिया जा रहा, कौन किस पर मुद्दा उठा रहा है। अब जो लेटर आया उस, केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने ये काम करवाया। जी बिल्कुल, मैं भी इसी चीज में मानता हूँ, क्योंकि अभी केंद्र सरकार को ही बोला गया, ये जो अधिकारी मैन अधिकारी होगा उसको ये चीज का लेटर पहुंचेगा जो मैंने लिख रखा है। मेरे को धमकियां आ रही थी, उसने खुद ही अपने मुँह से, उसी ट्विन बेन में जिसमें क्रिमिनल को ले जाता है, उसी क्रिमिनल ने अपने मुँह से बोला है कि मेरा एक लेटर सरकारी गवर्नमेंट को पहुंचेगा और दूसरा लेटर योगी आदित्यनाथ को पहुंचेगा। उन्हीं ने तो खुद बोला था, कोई दूसरे बंदे ने भाषण दिया नहीं था। फिर दूसरे विपक्ष पार्टी बोलती है कि मोदी के राज में ये सब हो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मोदी जी खुद गए थे क्या शूट आउट करने? ये चीज़ आप खुद देखते होंगे। बाकी मेरी तरफ से इतना ही, जो भी मैं देखता हूँ वो डेली जो मेरे को न्यूज़ में देखने को मिलता है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, और जो चीज़ मेरे को आज तक देख रहा हूँ और आज ठंडे गर्म में क्या पता चलता आगे वो है, पर वाला मालिक है, जो भी होगा
क्रिमिनल क्रिमिनल है, तीन तीन शूट आउट ऑर्डर थे, तीन तीन बंदे आए शूट आउट करने के लिए उसको। अब ये तो बस न्यूज वाले या बाकी प्रपक्ष पांच जो भी होगी अपने इनकाउंटर से, इनकाउंटर तो बढ़िया हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। इनकाउंटर नहीं है वो, वैसे हत्याकांड। ऐसा मैं बताता हूँ क्या, वो जो देखो जो हत्या करने वाले पे पकड़े गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, होगी वो तो सबके सबके वो बनता है कानून, अपना सब कानून सबके लिए। और ये अभी देखो केस कहाँ खुलता है, कोई केस तो खुल गया ना ये, अभी तो बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं। उसने प्रेस रिपोर्टर से भी कहा था कि अगर मेरा इनकाउंटर 8 दिन में होता है तो मेरी चिट्ठी CM योगी आदित्यनाथ जी को पहुंच जाएगी, बोला था ना आपके द्वारा ही माध्यम से। हाँ तो अब देखो केस क्या होता लेकिन है। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने एक पुलिस वाले को टारगेट किया है बीच में लेकिन नाम नहीं बताया, तो क्या लगता है सस्पेंस में डालना चाह रहे थे ऐसा? वो तो संदेह में बचना चाह रहे थे किसी तरह से। अब उनके एक दुश्मन थोड़ी थे, 1000 दुश्मन थे, अब किसने मार दिया किसने नहीं क्या पता है, वो पुलिस को पता चला। तो कह रहे हैं योगी सरकार ने मरवा। अरे ऐसे लोग बाग तो जितने मुंह उतनी बातें होती है। हिंदू मुस्लिम अब इलेक्शन आ रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम भिड़ाएंगे कि हिंदू मुस्लिम हो रही है हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अतीक अहमद मरा तो विकास दुबे भी तो मरा। हाँ विकास दुबे भी मरा है, विकास दुबे भी मरा है, सब मरते हैं। हमारे यहाँ महेंद्र फौजी भी मरा है, जग्गू पहलवान भी मरा है, सब मरे हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें अतीक अहमद ही एक स्पेशल मरा है, सब मरते हैं। जो बदमाशी जिसका टाइम, बदमाशी 2.5 साल की होती है, इनकी तो 25 चल गई। बदमाशी वैसे हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं, बट बदमाशी पर 2.5 साल की होती है, इनकी तो 25 से 30 साल चल गई। तकड़ी बदमाशी चली, थोड़ी बहुत भी नहीं चली, बस तो यही है अपना। बहुत सहमत है। मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना ये है कि ठीक है, क्राइम क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो उसको सजा देने का हक जो होता है सिर्फ सरकार को होता है। आप कानून व्यवस्था बनी है, अगर ऐसा ही चलने लगे तो जिसकी सरकार है वही लोगों को मरवाने लगे, ठीक है? तो ये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। देखिए ये है दिल्ली की जनता की राय अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर, आप लोगों का क्या मानना नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।